माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। यह खनन माफिया किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीती रात मुखबिरी के शक में खनन माफियाओं ने हमला कर एक पिता पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें बेटे की मौत हो गई। मामला नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र का है, जहां पर रातिकरार गांव नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन पिछले लंबे समय से जारी है। दो दिन पहले खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेत माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े थे। इसी बात से नाराज होकर खनन माफियाओं ने मुखबिरी की शंका होने पर बीती रात रातिकरार निवासी एक पिता पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। उक्त हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के लिए नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में दाखिल किया गया था, जिसमें बेटे की हो गई। वहीं इस पूरे मामले में करेली थाना प्रभारी का कहना है कि 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं परिजन शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने लाए, जहां शव को सड़क पर रखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को आश्वासन दिया कि खनिज माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हमले में जो भी दोषी लोग हैं उन सभी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करेंगे, साथ ही परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। घटना के बाद गांव में पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। एक नेता के मामले पे हो, जब ट्रैक्टर पकड़े गए तो उस पे हो जिनने घर आन के मारा है, तो शिकायत करती है। अच्छा अच्छा, शिकायत तुमने करी है कलेक्टर साहब को? अच्छा, हमने तो नहीं करी। अच्छा, कब की घटना है, कितने बजे घटना है? ये 12 बजे रात की। अच्छा, क्या हुआ था? जान के गाड़ी में विरोध करने लगे, लड़का बाहर निकला और ये लाठी डंडे और वे चैनों से मारने की। कौन थे? कौन आया था? 6-7 लोग थे। किसी को पहचानते हो? सबको पहचानते। अच्छा, कौन है? जमाल गुजार, इरशाद, जावेद और हसीब और अनीश और बहुद्दीन और एक और इकरार। अच्छा, क्या ये सभी गांव के? पूरे एक करेली का है अनीश और जो ये सब गांव के। अच्छा, तो क्या ये रेत का उत्खनन वगैरह करते थे? हाँ, रेत का करते थे। अभी 4 दिन पहले पकड़े हुए हैं ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा, जिसमें कह रहे हैं कि तुमने कलेक्टर साहब को दरखास्त करी दी है और फोटो सेंड करी है। हम भाई आपको तो मालूम कर लो, इस पर नहीं माने। आपके साथ भी मारपीट हुई है? हमारे साथ भी मारपीट हुई, यहाँ पर हुई। हम बच्चे को बचाने के लिए आए थे। बच्चे को किस तरह से पीटा है? बहुत ज़्यादा पीटा है उसने, पेट में, यहाँ पर, पीठ में, सिर में लाठी और डंडे और राड और चैन से मार दिया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम निर्दोष थे। हमारे बच्चा अकेला था, एक ही लड़का था, इन लोगों ने उसे जान से मार दी। रात को 3 बजे करीब एक FIR हुई है। परवेज नाम के एक व्यक्ति को राकई के 5-7 लोगों ने मिलकर बहुत बुरी तरह से मारा था। कारण वो बता रहे हैं कि उनके रेत के ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी माइनिंग विभाग और तहसीलदार के द्वारा। तो उस कार्रवाई के लिए वो छुप थे कि इसी व्यक्ति ने उसकी सूचना दी है, उनके ट्रैक्टर इसने पकड़वाए हैं। इसी बात पे शक पे जो भी उनका रीज़न रहा हो, उन लोगों ने मारपीट की है और वो आदमी यहाँ घायल था, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। उसकी नरसिंहपुर में रात में मृत्यु हो गई है। अभी उसका पंचनामा कार्रवाई चल रही है, उसमें हमने पहले उनके पिताजी की रिपोर्ट पर 307 का प्रकरण दर्ज किया है बलवा, और 307 का 7 लोग उसमें आरोपी हैं और अभी अनुसंधान चल रहा है। आरोपी फरार है कि गिरफ्तार? अभी फरार हैं आरोपी, तलाश कर रहे हैं। अनुसंधान आज ही शुरू हुआ, रात को 3:30 बजे करीब प्रकरण दर्ज हुआ है। दोपहर न्यूज़ के लिए नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवी की रिपोर्ट।